केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार 3 नवंबर को वसई विरार में वसई जनता बैंक के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह के लिए वसई में आए हुए थे। इस समय वसई विरार का पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर मराठा आरक्षण का मुद्दा भी काफी गर्मा गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की थी, लेकिन सुबह जैसे ही वे फ्लाईओवर के पास पहुंचे, अग्निसेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इससे काफी हंगामा हो गया। इस मामले में विरार पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सूर्या प्रोजेक्ट को पूरा हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। राजनीतिक श्रेय लेने के लिए उद्घाटन को रोका गया है। अग्निसेना अध्यक्ष कैलाश पाटिल ने बताया कि हमने इसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया है। वसई जनता बैंक संघ का था, हालांकि नितिन गडकरी बविया विधायक हितेंद्र ठाकुर के साथ एक मंच पर नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में निराशा हो रही है। हा गुजरातचा मी पीडब्ल्यूडी मंत्री असताना त्याचं काम केलं होतं। मी याचं नाव डेथ ट्रॅप ठेवलं आहे। भारतामध्ये अनेक रोड खराब आहे, पण याच्या इतका कोणता का माझी हिंमत नाही करून अनेक वेळा मी जायचो ठाणे जिल्ह्यात जायचो, इतका ट्रॅफिक आहे। आणि त्यामुळे जे काही म्हणलं आलं हितेंद्र ठाकूरचं बरोबर, खूप ऍक्सिडेंट होतं। त्यामुळे आता या रोडवर मी नक्कीच तुम्ही सांगितलं कॉन्क्रीटचा रोड बनवणार आहे पूर्ण। हा सध्या NH41 त्याची जवळपास 600 कोटी रुपये किंमत आहे। 3 अंडरपासेस आहे, ब्लॅक स्पॉट रिमूव्हल आहे, स्ट्रीट लाईट आहे, एक काम त्यातलं प्रगतीपथावर आहे, 100 फूटवर ब्रिज आहे, 10 फूटवर ब्रिज आहे आणि रस्ते क्रॉस करण्याकरता, आणि हे काम आजपासून 1 महिन्याच्या आत सुरू होईल असं मी त्यांना विचारतो।